हे गाइस, आज की इस वीडियो में करेंगे एक मस्त वाला साउंड टेस्टिंग, जो कि यहाँ पर दो टॉप साथ में दो मॉनिटर, ऐसा टेस्टिंग ना आपने कभी देखा होगा, टॉप के साथ मॉनिटर का टेस्टिंग। ए भाई तू रख दे यार, लग जाएगा। तो ऐसा मस्त वाला टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं साउंड कैसा आता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और ऐसा टेस्टिंग हो सकता है आपने पहले कभी ना देखी हो, टॉप के साथ मॉनिटर का टेस्टिंग। चलिए देखते हैं वीडियो को। अभी सेटअप तो यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर ऊपर वाला 12 इंची का स्पीकर और मिडिल में ये वाला 12 इंची का स्पीकर, नीचे है 15 इंची का स्पीकर। मतलब जो डुअल बड़ा का टॉप 15 इंची का, जो बेस का जैसा सेटअप होता है वैसा ही सेटअप है। साउंड देखते हैं अभी कैसा आता है। और एम्पलीफायर भी, चलिए मैं एक बार आप लोगों को एम्पलीफायर ये देखिए, PVT 700 का एम्पलीफायर। इसमें नीचे वाले जो टॉप है 12-15 का जो टॉप है 700 में चल रहा है, मतलब चलाऊंगा अभी, अभी तो कनेक्शन नहीं हुआ। और जो 350 वाट का ये MR का एम्पलीफायर, इसमें दो मॉनिटर चलेगा, ऊपर वाला मॉनिटर ठीक है वो चलेगा 350 के एम्पलीफायर में। और एक मिक्सर लगाया हूँ ताकि साउंड और भी क्लियर आए। चलिए कनेक्शन प्रॉपर कर लेते हैं।
तो गाइज अभी सेटअप पूरा, सेटिंग कंप्लीट और इधर भी सेटिंग कंप्लीट, प्रॉपर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अभी बजाइए बगल वाला। एक बात बता दूं, यहाँ पर ऊपर वाला स्पीकर 100 का, ये मिडिल वाला, ये वाला 12 इंच का स्पीकर 100 का, थोड़ा सा साउंड घटा दे, ठीक है। ऊपर ये और ये वाला 100-100 का है, नीचे वाला 300 का है, जो 15 इंच में है वो 300 का है, ठीक है। एक जो 12 इंच का डुअल टॉप और 15 इंच का बेस जैसा बसता है, सेम वैसा ही बसता है, काफ़ी अच्छा साउंड भी आ रहा है, ठीक है। आप लोग साउंड टेस्टिंग एंजॉय कीजिए और चलिए देखते रहिए वीडियो, अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना और हेडफोन का जरूर से यूज करना। और गाइज ये सेटअप बस देखने में ऐसा है लेकिन मस्त वाला बजता है, ठीक है। 15 इंच का स्पीकर है ना नीचे में, इसलिए मस्त वाला बेस भी आता है साथ में, ठीक है। और ऊपर वाला जो डुअल टॉप में 12-15 का टॉप में 100 वाट का स्पीकर है, अगर वो भी 200 वाट का होता तो और भी मस्त साउंड आता। लेकिन ये भी जो बज रहा है एकदम बेस के प्रेशर से बज रहा है। भाई थोड़ा सा प्रेशर दे दियो, केटी अच्छे मजे मजे नीचे ऊपर सेट आगे ब्लूटूथ तो ऑफ कर भी तबे ना होवे ब्लूटूथ আমি আগে টাচ করে না টুক করে বন্ধ করে ওপর থেকে নিয়ে ওটা অফ করতে তবে হয়তো বল নে না তুমি নেট বাজে ইউটিউব থেকে বাজে হ্যাঁ কি গানে বলটা मस्त बज रहा है ना। पहली बार डिपेंड हुए बगैर मैंने अपने दिल की बात सुनकर तुम्हें चुनने का फैसला किया। अब तुम पहली बार किसी से पूछे बगैर पहली बार डिपेंड हुए बगैर मैं Thank you.
लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि 18 इंच के बेस के साथ इस बेस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बेस आ रहा है 15 इंच वाला बेस है, तो उतना जो बेस का वाइब्रेशन वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिल रहा है काफी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आपको नॉर्मल बजट में सेटअप चाहिए तो आप ये वाला सेटअप ले सकते हो, काफी मस्त बजता है। जैसा डुअल 15 का टॉप 18 इंच के 15 इंच का जो बेस होता है, डुअल 15 का टॉप और 15 इंच का बेस सेम वैसा सेटअप है, सेम ऐसा ही साउंड आपको मिलेगा, लेकिन उससे इससे थोड़ा सा बेटर मिलेगा, क्योंकि 18 इंच बेस का कैबिनेट अलग होगा, तो बेटर क्वालिटी मिलेगा। अगर आप 12 इंच का टॉप और 15 इंच में बेस लेते हैं तो इससे बेटर साउंड आपको मिलेगा, तो ऐसा सेटअप आप ले सकते हो। भाई मस्त बज रहा है। ठीक है, मॉनिटर अरे ये 12-15 मस्त प्रेशर है, मस्त की लो दान खत्म ना, ब्लूटूथ केटे अच्छे से मारे वाले, मस्त बज रहा है भाई लोग, मस्त बज रहा है। पानी पानी इधर की जान को दस्ते बोले जे Oh,
था आज का पूरा साउंड टेस्टिंग का वीडियो। अभी सारा कनेक्शन वगैरह कनेक्शन जो है सब खोल दिया। अभी सेटअप उठाएंगे वैन में ही और इधर से ही शिफ्ट कर देंगे घर के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड में लेकर आए थे, ये जगह थोड़ा सा खाली सा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तो इधर थोड़ा सा प्रेशर देके साउंड बजा सकते। और घर के अंदर तो आप लोग समझ ही सकते हो प्रेशर नहीं दे सकते, इसलिए ये पूरा आसपास पूरा खाली एरिया है। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं ना, वैसा कोई नहीं होता, इसलिए ये खाली जगह पर बजाते हैं घर के। वैसे सेटअप लेकर आते हैं वैन में और इधर आप लोगों के लिए बजाते हैं, ठीक है। तो इस बात पे तो लाइक तो बनता है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी सेटअप इधर से उठाएंगे वैन में घर के अंदर शिफ्ट। चलिए अभी फटाफट लोडिंग करते हैं और घर के अंदर शिफ्ट करते हैं। और आप लोग देख लीजिए कैसा लोडिंग होगा इस वैन के अंदर। इतना बड़ा सेटअप एम्पलीफायर, मतलब इतना बड़ा तो सेटअप नहीं है, छोटा सेटअप है, ये ही इस वैन में लोड करेंगे। चलिए देखिए। ये देखिए सेटअप कैसा लोडिंग हुआ है वैन में, और पास में ही जाएगा इसलिए बांधेंगे नहीं, और पीछे तो हम या फिर वो रहेगा तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ये था पूरा वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। साउंड तो उठा लिया है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.